नमस्कार, फर्स्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, अंतिम सफर पर शहीद जाबाज कुलदीप सिंह पैतृक गांव घरडाना खुर्द अंतिम यात्रा वहां पर चल रही है। उनका पार्थिव देह जो है वो उनके गांव पहुंच गया है। कई गांव से होकर उनकी अंतिम यात्रा जो है वो गुजरी है। बता दें आपको, वीरांगना यश्विनी बहन अभिता भी यहाँ पर परिवार के साथ हैं। रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा करी है। अपने लाडले कुलदीप को आखिरी सलाम यहाँ पर हर कोई करना चाहता है। जब तक सूरज चांद रहेगा कुलदीप आपका नाम रहेगा, वीर तुम अमर रहो, शहीदों को देश का सलाम, ऐसे जयकारे भी जगह जगह पर सुनाई दे रहे हैं। देश के अमर सपूतों की शौर्य गाथा आने वाले दिनों में गूंजेगी। आपको बता दें, कुन्नूर हादसे में कुलदीप सिंह शहीद हो गए थे और आज उनका पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल झुंझुनू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हर कोई यहां पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि अब अपने जाबाज कुलदीप सिंह की एक आखिरी झलक यहां पर दिखाई दे जाए। आपको बता दें कि पैतृक जो उनका गांव है घरडाना, वहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच गया है और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अपने चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी झुंझुनू से जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें क्या कुछ वहां पर बयां कर रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जियाउद्दीन, आपकी आवाज सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी बताया किस तरह से वहां पर अपने जाबाज की आखिरी झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखाई दे रहा है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जाबाज कुलदीप सिंह के गांव में उनकी पार्थिव देह जो है वो पहुंच रही है और वहीं की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जगह जगह पर, यानी कि झुंझुनू से उनके पैतृक गांव आने का जो सफ़र यहां पर तय किया गया है, उस दौरान भी जगह जगह पर उनका फूल मालाओं से कह सकते हैं कि यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें याद किया गया, नमन यहां पर किया गया है। जगह जगह पर पुष्प वर्षा लोग करते हुए दिखाई दिए। गाड़ियों के साथ यहां पर तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। जियाउद्दीन, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जियाउद्दीन, जिस तरीके से जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वाकई कह सकते हैं हर कोई काफ़ी गमगीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर कह सकते हैं कि पुष्प वर्षा की गई है, श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है। फिलहाल आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, इससे ही कुलदीप की शख्सियत का पता लग सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा के अंदर किस तादाद के अंदर लोग शामिल हुए, बच्चे हों या बुजुर्ग हों। एक नारा लगाते थे, नारा लगा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा कुलदीप तेरा नाम रहेगा। चूँकि ये नारा है, इस वजह से शहादत जो हासिल की है कुलदीप ने, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि शहीदों की जो शहीद मरते नहीं, ये कहा जाता है, सैनिक मरते नहीं, वो शहीद होते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है। और इसी तरह से कुलदीप ने देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर कर दी। इस जो घरडाना जो गाँव है, इस गाँव के अंदर आस पास के एरिए के तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। काफ़ी तादाद के अंदर जनप्रतिनिधि भी आए हैं, राजनीतिक अधिकारी भी आए हैं, जो नौसेना के जो
अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। चूँकि अब घर के अंदर उनका जो रंग आंगन है उसके अंदर उनका पार्थिव देव को रखा जाएगा, परिवार वाले उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद पास के अंदर ही राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम दर्शन किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोगों की कुलदीप के लिए कितनी डिमांड की, उनको किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के शहादत के लिए काफ़ी लंबा, एक ये कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर लंबा एक जुलूस निकाला गया, जिसके अंदर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, बच्चों ने नारेबाजी की और जहाँ जहाँ से ये उनकी शव यात्रा निकलती थी, अंतिम यात्रा जो निकली, वहाँ पर पुष्प वर्षा की गई, तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और सभी का ये कहना था कि कुलदीप ने देश के लिए शहादत दी है, वो शहादत हमेशा याद रखी जाएगी, बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा। एक छोटे से गांव से, घरडाना गांव से जो झुंझुनू का है, वहां से कुलदीप निकलते हैं, BSCIT के अंदर टॉपर होते हैं, फिर 2013 के अंदर वो इसमें शामिल होते हैं और नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो को पायलट बनते हैं। कुन्नूर के अंदर एक हादसा होता है जिसमें CTS के साथ वो भी मौजूद होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि सबसे दुखद जो तस्वीर होती है वो यह होती है कि इस परिवार के अंदर एक लौते कुलदीप थे और उसके बाद कोई वारिस नहीं बनता, या यूँ कहा जाए कि उनके पिता के बाद कोई मर्द इस परिवार के अंदर नहीं बचता। फिर भी उनकी जो माँ हैं, उनके कितना गौरवान्वित शब्द होते हैं, जिस तरह से वो भावभीन कर देती हैं, उनके शब्द होते हैं कि वंदे मातरम, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने देश के लिए शहादत दी है, मेरे लिए ये गौरवान्वित पल है और मैं अब मेरी बहू को आर्मी के अंदर भेजूँगी। पिता कहते हैं कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मेरे बेटे ने मुझे गौरवान्वित कर दिया। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए झुंझुनू की, तो झुंझुनू की माटी के अंदर ही कुछ ऐसी बात है कि यहाँ के हर गांव के अंदर से सैनिक निकलते हैं और लगभग बात की जाए 450 से ज़्यादा सैनिक कि जो हैं यहाँ पे शहादत पा चुके हैं। इसी तरह का जो बात होती है और उसी को दिखाने के लिए, क्योंकि जब अंतिम यात्रा निकलती है तो हमेशा अंतिम यात्रा देने के लिए हज़ारों की तादाद के अंदर लोग मौजूद रहते हैं। देखिएगा कई काफ़ी जो मंत्री हैं, मंत्रियों से लेकर जनप्रतिनिधि पिताजी को अंदर लेके जाया जा रहा है, क्योंकि अंतिम यात्रा के लिए आप इस बल में देख सकते हैं ये उनके पिताजी हैं जो खुद नेवी से रिटायर हैं, उनकी बहन उनके साथ हैं और उनकी पत्नी खुद शव यात्रा के साथ दिल्ली से यहाँ पर आई उनके पार्थिव देह के साथ और वो खुद मौजूद थी। उन्होंने अपने पति की जो शहीद कुलदीप हैं उनकी तस्वीर को अपने सीने से लगा रखा था, उनके आंसू सूख चुके थे लेकिन गौरवान्वित थी, लेकिन आंखें नम थी, आंसू न बह रहे थे और उनका यही कहना था कि मेरे पति ने देश के लिए अपनी शहादत दी। आप देख सकते हैं कि उनके आंगन के अंदर जिस जगह पे यह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं और कुछ ही देर के अंदर, अब से 10 से 5 मिनट के अंदर उनका पार्थिव देह जो यहाँ पर पहुँचने वाला है, चूँकि उसको पूरे गाँव की परिक्रमा करवाई जाती है एक रीति रिवाज के तहत, क्योंकि अब एक देवस्थान है वहाँ पर ले जाके आशीर्वाद के लिए रखा जाता है अर्थी को, फिर उसके बाद दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। चूँकि जब यहाँ पर अंतिम दर्शन हो जाएंगे, जो परिवार के सदस्य हैं जो पिछले 3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि कल इनका अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना था, उसके बाद अंतिम संस्कार होना था, लेकिन कई फॉर्मेलिटीज़ थी जो पूरी नहीं हो पाई, उसकी वजह से आज यहाँ पर इसी देरी हुई और लगभग ये बारह अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जब शव लाया जाएगा, उनके परिजन और उनके परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन करेंगे, फिर जो राजनीतिक हस्ती हैं, जो राजनीतिक जितने भी लोग थे, जैसे राजेंद्र गुड़ा राज्य मंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद सीधे यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ के झुंझुनू के सांसद हैं नरेंद्र खीचड़, वो यहाँ पहुँचे हैं, जिला प्रमुख पहुँचे हैं और तमाम राजनीतिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लगातार इस शहीद के इसको अंतिम यात्रा के गवाह बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि कई लोग इस अंतिम यात्रा को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, वो गवाह बनना चाहते हैं उस शहीद की अंतिम यात्रा की, जो ऐतिहासिक अंतिम यात्रा होती है। क्योंकि कहा जाता है कि अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं या शिरकत करते हैं, उसी से ही पता लगता है कि उसकी कितना बुलंदी कितनी ऊंची थी और इसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब कुलदीप की अंतिम यात्रा निकाली गई तो गाँव के अंदर जिस रूट के ऊपर जितने भी गाँव थे वहाँ के तमाम प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए और बंद करने के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए लोग कतार बना के खड़े हुए। आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जो अंतिम यात्रा के अंदर शामिल था। एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, सबसे पहले उनकी गाड़ी पायलट करती हुई आती है, तमाम एयरफोर्स के अधिकारी हैं और वही जो ट्रक है जिसको सजाया गया है, जिसके अंदर उनका पार्थिव देह रखा हुआ है, इसमें उनकी पत्नी मौजूद है, उनकी बहन मौजूद हैं अभिता, पत्नी यशवनी मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं और उनके साथी जो सेना के अंदर उनके साथ मौजूद थे वो भी मौजूद हैं इसके अंदर। आप देखिएगा कि इसके अंदर
क्योंकि तमाम उनके पार्थिव देव को अब नीचे उतारने की तैयारी की जा रही है। बहन है उनकी, बहन बहन अभिता है जो इस विजुअल के अंदर बहन दिख रही हैं, उनके पास के अंदर उनकी पत्नी है जो बैठी हुई हैं, क्योंकि अब उनके शब्द नहीं हैं, बयां क्या करें, क्योंकि किस तकलीफ़ में है। 2 साल पहले शादी होती है, 20 दिन पहले उनकी शादी की वर्षगांठ होती है, और फिर उसके बाद ये होता है कि जल्द ही घर पे आएंगे और फिर कहीं घूमने चलेंगे, क्योंकि उनका जुड़ाव इस मिट्टी से रहा है। आप देख सकते हैं कि जब हमने विजुअल्स में आपको सबको दिखाया कि तमाम आसपास के इलाके में हज़ारों लोग मौजूद हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं शहीद कुलदीप को, और देख सकते हैं विजुअल के अंदर अब उनको पार्थिव देह को नीचे उतार के जो उनका पैतृक जो घर है उसके अंदर लाया जा रहा है। वो ड्रेस है, ड्रेस उनकी पत्नी के हाथ में थी, उनके परिजन को सौंपी गई है। सबसे पहले उनकी जो पत्नी है यशोनी, वो नीचे उतर रही हैं, और उनके साथ जिला प्रमुख भी साथ में हैं, साथ में तमाम नौसेना के जो उनके साथी अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल जिलाउद्दीन, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि हर कोई यहाँ पर काफ़ी गमगीन है, कह सकते हैं कि हर किसी को यहाँ पर बहुत दुख है कि वाकई उन्होंने अपने जाबाज सिपाही को यहाँ पर खो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर काफ़ी गर्व महसूस कर रहा है, हर किसी का सीना काफ़ी चौड़ा यहाँ पर हो रहा है कि अपने ही देश के लिए इतने सालों से लगातार देश की सेवा करी, और फिर अचानक से एक दुर्घटना में ये हादसा होता है और यहाँ पर कुलदीप को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें दुख के साथ साथ इस बात को, इस पल को वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और यही वजह मान सकते हैं कि बड़े से लेके बच्चे तक, महिलाएं सब यहाँ पर अंतिम यात्रा में मौजूद है। हर कोई यहाँ पर साक्षी बनना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि वाकई जिस तरीके से बेटे ने यहाँ पर शहादत दी है तो एटलीस्ट एक अंतिम विदाई यहाँ पर सब एक साथ मिलकर उन्हें देते हुए दिखाई दे। प्रीति देखिएगा कि तस्वीर के अंदर एक ऐसी तस्वीर, बहन, पत्नी और पिता दोनों को अपने गले लगाते हैं, क्योंकि अब बेटा बचा नहीं, बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, देश के लिए शहीद हो गया, पत्नी ही बेटा है, और जो उनकी जो पत्नी बहू है वो ही उनके बेटे का रोल अदा करेंगे, जैसे उन्होंने कहा। आप देख सकते हैं कि तीनों लोग परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि माँ ऊपर बैठी हुई हैं, थोड़ी देर के अंदर जो माँ हैं उनको भी अंतिम दर्शन के लिए नीचे लाया जाएगा, अपने बेटे के अंतिम दर्शन करेंगी वो भी, चूँकि माँ ने यही कहा था कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा गौरवान्वित कर गया मुझे, लेकिन मेरे पास कोई शब्द बयां नहीं है, मैंने मेरे कोख से ऐसे बच्चे को जन्म दिया, वो देश के काम आया, क्योंकि एक हर माँ का सपना होता है जो उसका लाल हो, जो उसका सपूत हो, वो उसका नाम रोशन कर जाए, वो नाम रोशन किया कुलदीप राव ने। तो देख सकते हैं कि प्रांगण के अंदर सबसे पहले उनकी पत्नी आई अश्विनी, उनके साथ उनकी जो बहन है अभिता वो आई, और पिता मौजूद हैं, और तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। पिता उनकी अपनी बहू है उनको ढांढस बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत की बात होती है कि जो पत्नी है, जो शहीद की जो पत्नी है अश्विनी, वो अपने ससुर को ढांढस बंधा रही हैं, कह रही हैं कि मैं हूँ ना। आप देख सकते हैं कि विजुअल के अंदर उनकी आँखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, क्योंकि वो हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती हैं अपनी। अगर वही रोती हैं, वही हिम्मत तोड़ती हैं, तो परिवार के और सदस्यों का क्या होगा। और यही बात है कि शहीद के परिवार के अंदर ऊपर वाला इसी तरह से एक ताकत देता है कि जो सहन शक्ति देता है, जिसके बाद कभी ऐसा हादसा घटित होता है तो वो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। शहीद की पत्नी होना, शहीद की माँ होना, शहीद का पिता होना कोई मामूली बात नहीं है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब उनकी माँ को भी लेकर आया जा रहा है नीचे, माँ भी आ रही हैं, वो सभी को, क्योंकि भारतीय दे अंदर आने वाला है थोड़ी देर के अंदर, और उसके बाद अंतिम दर्शन की रखा जाएगा। तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उनको वो अंतिम दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद अंतिम यात्रा जो शुरू होगी, पास के अंदर ही स्कूल के सामने जो मैदान है वहाँ पर अंतिम प्रक्रिया की जाएगी। जी